Good morning students, how are you all? Welcome again to my class. We were learning chapter number 6, Force, Work and Energy. In this, we have learned about force and types of force, in which we have learned about mechanical force and muscular force. In our textbook, it is given about 5 types of force, from which we have learned one more force, elastic force, in our previous classes. Today we will read another 2 types of force, that is gravitational force and frictional force. So, what is gravitational force? The force by which the earth pulls an object towards it. ऐसा force जिसकी वजह से जो earth है, where we all live, the planet earth, it pulls an object. जो earth होती है वो एक ऐसा force होता है उस पर, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है. ओके, इट पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट. इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट. हियर देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स given for gravitational force. An apple falling from the tree. जो apple होता है वो गिरता है, टूट कर जब apple पेड़ पर से गिरता है तब कहाँ गिरेगा? आसमान में जाएगा क्या? नहीं जाएगा. जो earth है उसमें gravity होती है, gravitational force होता है, जिससे कि वो अपनी तरफ सभी चीजों को खींचती है. ओके, इट पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. आवर अर्थ हैज ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच इट पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. नेक्स्ट वन, ए बॉल थ्रोन इन द एयर. जब आप एक बॉल को ऊपर फेंकोगे, है ना, तो वो बॉल कहां पर आकर गिरेगी? वेयर डस इट फॉल? इट अगेन falls on the surface of the earth due to the gravity and the gravitational force exerted by the earth. You can see here the boy, he is throwing a ball in the air which comes back to the surface of the earth. जो हमारी earth पर वापस गिर जाती. आप भी खेलोगे तो आप जब ball से खेलते हो तो ball आप ऊपर उछालते हो तो वो चीज़ कहाँ पर आकर गिरती है? It again comes back to the earth because the earth has gravity, है ना? एक आकर्षण होता है खींचने का, जिसको हम बोलते हैं, एक force होता है जिसको हम बोलते हैं gravitational force. Suppose we are having a chalk here, we are throwing it upwards. हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं. Then where it comes? It comes back to the earth. This is the force which is applied by the earth, which is called gravitational force. Next one, I have given you the example of apple falling from the tree. Here also it is one more picture of apple falling from the tree. The force applied by the earth, that is gravitational force, which attracts the apple towards itself. अपनी और खींचती है तो वह apple कहाँ आकर गिरता है? It falls on the earth surface. Next example, you can see here. जो भी हम लोग भी हैं, हम लोग भी किस तरफ खींचते हैं? We are also attracted towards the earth's gravity. Gravitational force की वजह से हम लोग earth पर
खड़े हो पाते हैं, है ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, जो स्पेस होता है वहाँ पर क्या होता है, जब स्पेसक्राफ्ट में लोग जाते हैं तो वो लोग स्पेस में ही उड़ने लगते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल फोर्स। वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सर्फेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी एंड द फोर्स विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ अट्रैक्टेड बाई द अर्थ विच इज़ एक्सर्टेड बाई द अर्थ, सो वी कैन स्टैंड ऑन द अर्थ सरफेस। हियर ऑल्सो जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बारिश होती है तो वो कहाँ आती है, अर्थ पर आती है, है ना। तो हमारी जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो हर चीज़ उसकी ओर अट्रैक्ट होती है ना, उसकी ओर आती है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ का, वो सभी चीज़ें अपनी ओर खींचती है। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है, कब तक हवा में उड़ेगा, आना तो उसको अर्थ पे ही है ना। तो जो अर्थ होती है, हवा में तो उड़ सकता है लेकिन अर्थ पे आके तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फिर वो नीचे उतरेगा, धीरे धीरे आ जाएगा, फिर अर्थ पे आके रुक जाएगा। आसमान में तो रुक नहीं सकता है ना। सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो क्या करता है, एक फोर्स को एक्सर्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर। दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हम, है ना, हम चलते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम चल पाते हैं उसमें, है ना। नेक्स्ट वन, अनदर फोर्स इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। What is frictional force? Frictional force में क्या होता है, A moving body slows down or stops on it on due to frictional force। क्या होता है frictional force, जो body move कर रही है ना, वो अपने आप थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है, अपने आप रुक जाती है ना, धीरे हो जाती है या रुक जाती है। तो वो जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। दैट फोर्स वी आर कॉलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सो व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ए बॉडी स्लोस डाउन और स्टॉप्स ऑन इट्स ओन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। रगड़ जिसको हम बोलते हैं, है ना। जैसे वी आर पुलिंग ए बॉक्स, एक बॉक्स को आप खींच रहे हो, तो आपको जैसे रफ सरफेस पे आप जब उसको खींच रहे हो तो आपको बहुत सारा प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत सारा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्या होता है, जब एक बॉक्स होता है और रफ सरफेस होता है, तो जो रफ सरफेस होता है उस पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और स्मूथ सरफेस जैसे टाइल्स होते हैं, कोई भी चीज़ आप आसानी से उसको उस पे खिसका सकते हो, है ना। और जब आपको उस पर पट्टियों पर या मिट्टी पर आपको खिसकाना पड़ता है, देन इट टेक्स मोर प्रेशर, मोर फोर्स, है ना, आपको बहुत सारा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारी ताकत लगानी पड़ती है, तब आप उसको बॉक्स को क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एक तो आप खींच रहे हो और दूसरा वो जो मिट्टी है, जो रफ सरफेस है, वो उसको रोक रही है, तो ये फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। वी आर राइडिंग ए बाइसिकल, हम बाइसिकल को चलाते हैं, जैसे रोड पे चलाते हैं, तो रोड कैसी होती है, रफ होती है, सरफेस कैसा होता है रोड्स का, रफ होता है, तो वहाँ पर हमारी साइकिल आसानी से हम लोग उस पर ताकत लगाते जाते हैं, पैडल मारते जाते हैं और वो चलती जाती है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो वो साइकिल क्या होगी, बैलेंस में रहेगी, नहीं तो जैसे स्मूथ सरफेस पे आप चलाओगे तो आपको साइकिल के पैडल्स भी ज़्यादा नहीं मारना पड़ेंगे, और साइकिल क्या है, बहुत तेज़ी से भागती हुई जाती है। जैसे इसमें और आप देख सकते हो, किसी बॉक्स को या किसी टेबल को आप खींच धक्का दे रहे हो, वी आर पुशिंग ए बॉक्स और ए टेबल, तो आप जिस डायरेक्शन में टेबल को पुश कर रहे हो, द फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे आप बॉक्स को इधर फोर्स पुश कर रहे हो, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इधर की तरफ होगा, जिसके वजह से बॉक्स क्या होता है,
धीरे धीरे आगे बढ़ता है. अगर जैसे आई हैव टोल्ड यू दैट ऑन स्मूथ सरफेस द फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस. स्मूथ सरफेस जो चिकना सरफेस होता है वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, वो लेस होता है, कम होता है. रफ सरफेस जैसे रोड हो गई, मिट्टी हो गई, वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल यू आर थ्रोइंग ए बॉल. आप एक बॉल को फेंक रहे हो, आप ग्राउंड में बॉल फेंक रहे हो या रोड पर बॉल फेंक रहे हो. देन द बॉल मिट्टी में फेंक रहे हो, देन द बॉल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम. और पहले तो वो क्या होगा, थोड़ा धीरे होगी बॉल, एंड देन इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम. कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी, अपने आप रुक जाएगी. आपको आपने देखा होगा, आप क्रिकेट खेलते हो या ग्राउंड में खेलने जाते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो क्या होता है, व्हेन यू आर किकिंग द बॉल या व्हेन यू आर हिटिंग द बॉल, बैट से जब आप हिट करते हो या लेग से आप जब फुटबॉल खेलते हो तब किक करते हो, तो वो बॉल कुछ दूरी पे जाके अपने आप रुक जाती है. तो दैट क्यों रुकती है, तो दैट फोर्स अप्लाइड इज बाय द अर्थ सरफेस, है ना, जो मिट्टी होती है उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, बाय विच द ऑब्जेक्ट और द बॉडी स्टॉप्स एंड स्लोज डाउन बाय इट्सेल्फ. जो बॉडी होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, बॉल होती है, वो अपने आप धीरे हो जाती है और रुक जाती है. हियर इज अनदर एग्जाम्पल. इन दिस यू कैन सी व्हाट आर दिस, दिस आर स्केटिंग. स्केटिंग ओके, जब आप स्केटिंग करते हो, आप रोड पर जब स्केटिंग करते हो, यू हैव टू अप्लाई मच फोर्स, बट बिकॉज ऑन द रोड और ऑन द रफ सर्फेस द फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर. बट वैन यू आर स्केटिंग ऑन ए स्मूथ सर्फेस, जब आप टाइल्स पर, है ना, जब आप उस पर स्केटिंग करते हो, देन यू डू नॉट हैव टू अप्लाई मच फोर्स. आपको ज़्यादा ताकत लगाने की, आपको ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो टाइल्स होते हैं वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, कम होता है. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस. अनदर एग्जाम्पल, जो जूते होते हैं, ओके, शूज, उनमें आपने देखा होगा शूज़ में क्या होते हैं, नीचे सोल में, नीचे जब आप चलते हो तो उसमें होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं ना, तो उससे वो क्या करते हैं, वो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए होते हैं, दैट यू कैन ईजिली वॉक ऑन एनी सरफेस. सो हियर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. यू कैन रन ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स. आप जो है दौड़ सकते हो. कैसे दौड़ सकते हो? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही आप दौड़ सकते हो. अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? यू विल स्लिप. आप गिरते पड़ते जाओगे पर आप दौड़ नहीं पाओगे. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नेसेसरी. फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़रूरी होता है, नहीं तो हम ना तो चल पाएंगे, है ना, ना दौड़ पाएंगे. तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़रूरी होता है. हियर इज द एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ मैच बॉक्स. लिटिंग द मैच बॉक्स, जब आप माचिस को जलाते हो तो क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों तरफ से, है ना. जब आप माचिस जलाते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से जो माचिस की जो तीली होती है इट बर्न्स. ओके, सो हियर आर दी वेरियस एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आई हैव गिवन यू एंड अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. बोथ द फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, यू हैव टू लर्न वेरी वेल. वंस मोर, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्सेल्फ. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जिसकी वजह से जो अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, वो फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज
A moving body slows down or stops on its own. जो भी moving body होती है, जो भी ball हो या कुछ भी हो, हम भी हों, तो हम या धीरे होते जाते हैं और फिर क्या होता है, हम रुक जाते हैं. बॉल भी ऐसे ही होती है, हम जब फेंकते हैं तब जो बॉल है वो थोड़ी दूर पे जाके स्लो हो जाती है, एंड देन ऑटोमेटिकली इट स्टॉप्स. द फोर्स अप्लाइड देयर इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स. सो वी हैव लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स हियर. यू शुड सी द वीडियोज एंड ट्राई टू understand it very well. Thank you.